हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और भाई साहब आज फिर मैं आपके लिए स्नोफो लेके आ गया हूं। और इस बार भाई मैं धर्मगोड़ नड्डी नहीं हूं, मैं हूं मैक्लोडगंज में, मेन मैक्लोडगंज में। और भाई मॉर्निंग से स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी नीचे तक था, बट फिर बारिश लग पड़ी तो अभी बर्फ स्नोफॉल इतना रहा नहीं है, बट फिर भी आप पीछे देख रहे हो। और इस टाइम भी मैक्लोडगंज में लाइव हो रहा है, तो मैं आज के व्लॉग में आपको बता दूंगा भाई कि आपको कितने दिन तक कहाँ कहाँ स्नोफॉल मिल जाएगा इस वीक, और आप आ सकते हो मैक्लोडगंज में, इन्जॉय कर सकते हो। और बाकी हम यहीं रहते हैं तो यार मैं आपको कंटेंट यहाँ का देता रहता हूँ, और पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी, बट मेन मैक्लोडगंज में हूँ मैं इस टाइम, यानी फर्स्ट टाइम हो रहा है अभी मेन मैक्लोडगंज में सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल, ठीक है। और जम भी रहा है भाई, देख सकते हो मेरे पीछे, ठीक है। और अभी मौसम दो दिन ख़राब बताया तो मे भी क्या पता शायद कल भी हो, और ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा मिल सकता है, तो ठीक है फिर बने रहे मेरे साथ वीडियो में। मनोज भाई और
मनोज भाई भी व्लॉग बना रहे हैं आजकल, MJ व्लॉग करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनके चैनल को भी जरूर आपने देखना है, सब्सक्राइब करना है। और अभी हम आ चुके हैं यार चर्च के ऊपर, और आप देख सकते हो यार, यानी भी हम मेन मैक्लोडगंज में ही हैं, और जिस वे को जा रहे हैं बिकॉज यहाँ गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाने दे रहे हैं ऊपर कोई भी। अभी धर्मकोट डल लेक नड्डी तक पुलिस वाले गाड़ियाँ, क्योंकि रिस्की है रोड पे, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है अभी भी इस टाइम यहाँ पे, और स्नो है तो उसमें थोड़ा रिस्की है, कोई ऐसा कुछ ना हो इस करके उन्होंने अभी इग्नोर करा है। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ पे, धर्मकोट वाला रास्ता जाता है चर्च के ऊपर से एक, तो अभी उसमें हम आ रहे हैं थोड़ा सा ऊपर तक। और आपको देख सकते हो यार पीछे, यानी मतलब आप देख ही सकते हैं यार पेड़ों पे क्या ही यानी अमेजिंग व्यू है। स्नोफॉल आज मोटा यानी हुआ है और अभी हो ही रहा है यहाँ पे कंटिन्यू, और आपको आने वाले अभी नेक्स्ट वीक में इंजॉय फुल होगा यहाँ पे आके। बाकी मैं दिखाता हूँ। धर्मकोट पहुंच चुके हैं और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है। और जो गलू टेम्पल है, मैंने एक ब्लॉग बनाया भी था गलू टेम्पल का, वहाँ पे तो आपको ज़्यादा नहीं तो 5-6 दिन या 7 दिन तक आराम से स्नो मिलेगा और नड्डी में भी मिलेगा, बट अभी वहाँ पे जाना मुश्किल और इतना ज़्यादा हम पैदल इतनी बर्फ में अभी ट्रैक कर भी नहीं पाएंगे। अभी हमने धर्मकोट साइड ही ट्रैक करा है, कोशिश करिए करने के लिए। यहाँ पर आप देख ही सकते कितना ज़्यादा स्नोफॉल है, और पीछे पेड़ों पर भी यानी यानी जो तो सर पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पेड़ों से गिर रहा है हमारे ऊपर, थोड़ा मुश्किल हो रहा, डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप देख ही सकते यार, तो कोई नया के व्यू दिखा देता हूँ, बाकी भी जो भी मेरे सकता तो होगा मैं आपको दिखा दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया अभी कि मैक्लोडगंज में कहां कहां पे स्नोफॉल हुआ है, मैं बाकी बता भी देता हूं आपको। तो ऐसे अब इस टाइम बाक्स में भी यानी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है, वाटरफॉल वगैरह में, डल लेक में भी है, नटी में भी है, धर्मकोट में भी है, मेन मैक्लोडगंज में भी। और अभी एक दो दिन मौसम ख़राब बताए हैं, ठीक है, तो मे भी रात को भी हो सकता है, अभी भी हो रहा है यहाँ पर हल्का हल्का स्नोफॉल। और बाकी यार अगर आप आओगे तो ग्लव्स लेके आना, मैं लेके आया हूँ बट अभी गाड़ी में रखे हैं, ठंड बढ़ ज़्यादा, ठीक है। और शूज़ ढंग के डाल के आना ताकि आप बीमार ना पड़ो, कपड़े भी बोम स्टफ डाल के आना, ठीक है, ताकि आप बीमार ना पड़ो। ये थोड़ा केयर रखना अगर आप लोग यहाँ पे स्नोफॉल में इंजॉय करने आ रहे हो। बाकी मैं भी शायद मैं भी एक दो दिन में यहाँ आऊँगा, फिर कहाँ कहाँ पर स्नोफॉल मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँगा ब्लॉग में, छोटा ब्लॉग बनाऊँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी आप लोग 1 वीक तक अभी यहाँ पे इजीली आपको नड्डी, धर्मकोट, गलू टेम्पल एंड बागसू वाटरफॉल से आप लेटा में, ठीक है, अगर आप ट्रैकिंग स्टॉक रखते तो लेटा में, ठीक है, वहाँ तक आपको इजीली स्नोफॉल 1.5 वीक तक मिलेगा, आप इंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं और आपको मैं इस तरह के कॉन्टैक्ट आगे लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।
बाकी आपको पसंद आता है तो अगर नहीं है तो भैया डिसलाइक कर दो, कोई सीन नहीं है ऐसा, ठीक है। बाकी हम मेहनत कर ही रहे हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।